गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों, सभी लोगों को एक्सटेंशन मिल गया है ओ कनेक्ट का, और ये तरक्की का ग्रीन सिग्नल भी है, ग्रीन सिग्नल ऑफ प्रोग्रेस। दोस्तों, जैसा कि बैक एंड पर बहुत बड़ी बातें हो रही हैं और रात जब ये एक्सटेंशन बढ़ा तो सोशल मीडिया पे तो बधाइयाँ, खुशखबरी और इस तरह के मैसेज बहुत आने लगे, और एक चीज़ ये भी कही जा रही है कहीं ना कहीं वैकेंड पे कुछ बड़ा काम हो रहा है, और क्योंकि अभी आवश्यकता सिर्फ एक्सटेंशन की ही है। मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि एक्सटेंशन तो मिलेगा ही, और सप्ताह भर पहले भी यही बातें मैंने की थी। यदि ओ वेरीफाई आ जाता है दैन तब आपके वॉलेट में विड्रॉल्स आ जाएंगे, कमीशंस आ जाएंगे, बोनस आ जाएगा, और जब बोनस आएगा तभी आप इसको परचेस करेंगे, ये भी मैंने कहा था। क्योंकि बोनस आ नहीं रहा है इसलिए कुछ तो आएगा ही आएगा, तो फिर एक्सटेंशन आएगा, और एक्सटेंशन आने से ऑन कैसे होगी आपकी पैसिव इनकम। वर्तमान में लोग इसी बात की चिंता कर रहे हैं, बाकी जितने भी लोग हैं सुपर कॉर्प वो सारे के सारे इस एक्सटेंशन के पीछे आने वाले समय में पैसिव इनकम की ही बात कर रहे हैं कि आज जितना एक्सटेंशन हो रहा है ये हम सबके लिए फ़ायदे का है। क्योंकि एक्सटेंशन जैसे ही हम लोग को मिलता है उसके पीछे कुछ एक स्पेशल वर्क होने लगता है। क्या स्पेशल वर्क हो रहा है? वो वेरीफाई पे बहुत अच्छे से काम हो रहा है, इसका जो पे स्ट्रक्चर है उस पर वर्क हो रहा है, और सब्सक्रिप्शन इसका ओ कनेक्ट का है उस पर भी काम चल रहा है कि आखिर कितने प्रकार का इसका सब्सक्रिप्शन रखा जाए, पे स्ट्रक्चर कैसे रखा जाए। तो कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल ऑफ प्रोग्रेस। अगर मैं कहूँ कि एक्सटेंशन के सहारे कि बहुत बड़े कोई प्रोग्रेस का काम हो रहा है तो जो कि जिसके कारण आपको तरक्की मिलेगी, हिंदी में कहें तो तरक्की का ग्रीन सिग्नल एक्सटेंशन। तो आखिर क्या वजह है जो बार बार आप लोगों को सिग्नल इस तरह का मिल रहा है? ये ग्रीन चैप्टर बहुत पहले कहा गया था क्लोज हो गया है, मगर मैं कहता हूँ ग्रीन सिग्नल अभी स्टार्ट हुआ है। आप लोगों को ग्रीन सिग्नल फिर मिला है एक्सटेंशन का, और इस एक्सटेंशन के बाद कहीं ना कहीं बोनस की तैयारियां हो रही होंगी, क्योंकि एस सर ने कहा है कि आपको अपने पॉकेट से पैसा नहीं देना है। तो इसलिए भैया, जब पॉकेट से पैसा नहीं देना है तो फिर एक्सटेंशन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब तक आपके वॉलेट में वो कॉइन नहीं आएंगे तब तक आप उससे बाय नहीं करोगे। और जिन लोगों ने अभी तक ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन बाय नहीं किया है वो एक ही बात कहते हैं कि जब तक आप लोगों को बोनस कमीशन नहीं आएगा तब तक हम क्यों इसमें एंट्री लें। और ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा मैसेज इसी बात के आते हैं, और एक हैशटैग कैंपेन चलाया गया था नो मोर एक्सटेंशन, जिसको के लेकर के हमारे यूट्यूबर साथी भाई जाफरी जी ने बहुत ज़्यादा खिल्ली बनाई थी लोगों की, उस पर भी एक वीडियो बनाया था, और जिसको लेकर के हॉनेस्ट ने भी एक वीडियो उनको खिलाफ बनाया। तो ये इस तरह से खींचतानी भी लगातार चल रही है, और कुछ कुल मिलाकर के एक नेगेटिव साइन भी चला जाता है लोगों के सामने। इस नेगेटिविटी को कैसे दूर करें इसके लिए संभावनाएं तलाशनी होंगी। बार बार का एक्सटेंशन किसी प्रकार की कोई इनकम नहीं दे पा रहा है, और इससे कोई ज़्यादा बड़ा हल फाउंडिंग साथियों के लिए तो नहीं निकल पा रहा है। एस सर को बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि अगर यदि ओ कनेक्ट मार्केट में लाना है या ऑन पैसिव मार्केट में लाना है और इससे कुछ इनकम करनी है, दुनिया पे राज करना है, ओ ब्लेस करना है, तो इस पे बहुत पारदर्शिता लानी पड़ेगी और बोनस जैसी चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा।
और कब तक ये एक्सटेंशन चलेगा, इस पर तो एक मुहिम छिड़नी ही चाहिए। और आप एस सर को भी इस बात के लिए सोचना चाहिए कि अब और एक्सटेंशन ना दे, क्योंकि उन्होंने खुद भी कहा था कि ये लास्ट है। और उसके बाद फिर एक्सटेंशन आ गया, कई बार एक्सटेंशन आ गया। इससे फाउंडर साथियों का तो कोई भला है ही नहीं, और जो लोग अपना एज ए एफिलेट वर्क करना चाहते हैं उनको भी अभी तक कोई इसका लाभ नहीं मिला है। इसका मतलब यही लग रहा है कि ये 10 दिन भी अब कुछ नहीं होगा। पिछली बार जब फरवरी में इन्होंने कहा था, 10-20 तारीख को डाला था, तो मैंने कहा था कि फरवरी तो आज ही ख़त्म हो गई ऑन पैसिवियंस के लिए, क्योंकि कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है ऐसे पॉकेट के रूप में। और उसके बाद ये 10 दिन मार्च के भी, तब भी मैंने कहा था कि तो 20 मार्च ऐसे ही निकल गया, क्योंकि एक एक्सटेंशन तब आ जाएगा। मार्च का ये सेकंड एक्सटेंशन भी उतना प्रोग्रेसिव नहीं दिखाई दे रहा है ऑन पैसिव के लिए। क्या वजह हो सकती है, क्या इसकी लेट लतीफ़ी है, क्यों नहीं इस पर काम हो रहा है, ये कौन बात करेगा? अब तो लोग यही कह रहे हैं कि जो भी ऐसा करते हैं तो वो सोच समझ के करते हैं, हो सकता है इसमें भी कोई अच्छाई हो। बिल्कुल अच्छाई हो सकती है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन सिग्नल कहा है। ये इस एक्सटेंशन को प्रोग्रेस का ये ग्रीन सिग्नल है। आज नहीं तो कल वॉलेट भी ग्रीन होंगे, बोनस भी आएगा, कमीशंस भी आएगा, न्यू पे स्ट्रक्चर भी आएगा। और ओ कनेक्ट का अब और आगे भविष्य में एक्सटेंशन नहीं होगा। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे ये ऑन पैसिवियन जितने भी उनके खिलाफ कोई एक साजिश है एक्सटेंशन, आखिर यही सब करना है तो फिर एक्सटेंशन बढ़ाया ही क्यों गया? फ्री रखते लोगों को, जो फर्स्ट परचेज कराई गई थी वो भी नहीं करानी चाहिए थी। एक्सटेंशन ही देते रहते, या एक्सटेंशन ही इतना लंबा देना था तो ओ कनेक्ट का पैकेज $10 का रख देते। और इतने बार अगर ये एक्सटेंशन बढ़ाया गया है तो शायद अब ये लग रहा है कि एक्सटेंशन ही मात्र $10 का आने वाले समय पे होगा, और $10 का ही रह गया होगा। अगर हम कैलकुलेशन करें, जितने भी लोगों को याद होगा, $143 से आप लोगों ने लिया था, और $140 को अगर हम 8 महीने में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें, तो हमें लगता है कि इतना ही आएगा, $10-15। बन सके इन लाइफ का ये ग्रीन सिग्नल से आप लोगों को कैसे लगा? आप 360 चेंज करने का ये ग्रीन सिग्नल दोस्तों कैसा लगा, और मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों? मैं हूँ यार कमल। यदि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी और आपके मन को छुआ है, जो आपके अंदर की एक तड़फ है उसको अगर मैंने आपके सामने रखा है, तो फिर मेरी वीडियो को आप सब शेयर अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के हक में आवाज़ उठाता हूँ दोस्तों। एक्सटेंशन बाकी, चलो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।